दोस्तों, एक नया सेशन में आप सभी इंजीनियरों का मैं स्वागत करता हूँ। राजस्थान आवासरण प्रमंडल, ठीक ना, यहाँ पे मंडल हो जयपुर की ओर से वैकेंसी निकल के आई है, जो कि सहायक ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो यहाँ पे बस आप लोग पेशेंस के साथ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे राजस्थान आवासरण यहाँ पे मंडल, ठीक ना। अब यहाँ पे जो भर्ती निकल के आई है ना, यहाँ पे 6 पद की वैकेंसी निकल के आई है। लेवल 10 का सैलरी मिलेगा। सबसे पहले मैं कुछ बात आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे लेवल 10 का सैलरी मिलेगा, मतलब कि लेवल 10 का सैलरी मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है यार, कुछ खास काम नहीं होता। बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा हो, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए सिंपल सा। अब देखो, ऑनलाइन फॉर्म का आप लोग को भरना है, मैं इसका अप्लाई लिंक भी दे दूँगा। ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कुछ। जब आप ऑनलाइन में लिंक दूंगा ना, तो उस पर आपको पहला वाला पैकेट टच करना है। इस पर देख रहे हो ना, कंप्यूटर ऑपरेटर जो सहायक प्रोग्रामर का है, यहाँ पे आप लोग को टच करना। कैसे टच करना है, ऐसे टच करोगे ना इसके विवरण पे, तो यहाँ पे ये खुलेगा। तो इसको आप पहले डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, मैं आप लोग को बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है, समान वर्ग क्रमिक एनसीएल से ओबीसी से आते हैं तो उनको 975 रुपये पे करना होगा। यहाँ पे 885 रुपये, 875 रुपये, 775 रुपये, ये सब चीज़ डिटेल में दिया गया, आप लोग देख लेना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को सब चीज़ डिटेल में देख लेना। अब बात करते हैं, यहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में पूरा डिटेल में लिखा गया कि जो आप लोग का सीट है, कैसे कैसे बंटवारा किया गया। 6 पद है तो कैसे कैसे बंटवारा किया गया, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ITI की हैं तो आप लोग कुछ भी चाहिए रिसेंट डेट से, तो आप SMS करना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, देख लेना क्या चीज़ आपको ज़रूरत है, वो चीज़ आप SMS करना, सब चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखो, इस नंबर पे आप SMS करना, 70 33 40 81 17 पे आप SMS करना। 70 33 है ये, ठीक है, 70 33 पे SMS करना। ये नंबर पे आप लोग SMS करिएगा ना, बोलिएगा सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आपको ऐड कर लीजिएगा। ऐड हो जाओगे ना उसमें, तो उसमें फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारा वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ टाइम के कारण से, तो मैं वहाँ पर अपडेट दे देता हूँ वैकेंसी वैकेंसी आती रहती है तो जो भी आप लोग का विभाग से। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जैसे कि भूतपूर्व सैनिक से मतलब बिलोंग करते हैं, जैसे पिताजी हैं, दादाजी हैं, आप लोग को आरक्षण मिलेगा, लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए ध्यान रखना, ऑल इंडिया एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। और सीधी भर्ती है, डायरेक्टली भर्ती है, वो अलग की बात है कि कम सीट है लेकिन डायरेक्टली भर्ती है। अगर खिलाड़ी विलाड़ी हो आप लोग, अगर खिलाड़ी से बिलोंग करते हो इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल से या कोई भी है, एशियन से, विश्व कप से, एशियन चैंपियंस, राष्ट्रमंडल गेम, आप लोग को आरक्षण दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो। अब देखो, यहाँ पे मेन चीज़ मैं आप लोग बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग का दिव्यांग को अलग मतलब कि टर्म एंड कंडीशन दिया गया कि आप लोग को छूट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मैं आप लोग को वेतन पहले बताता हूँ। अब देखो, वेतन आप लोग का यहाँ पे 1/3 का आप लोग का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कुल अंक आप लोग का, यहाँ पे देखिए प्रतिशत, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया। 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन टच कीजिएगा थोड़ा पेशेंस के साथ कीजिएगा। अब देखो, लेवल 10 का सैलरी मिलेगा, ठीक ना। और आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा, ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर ऑपरेटर साइंस, कंप्यूटर्स सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज। आप लोग कोई दिक्कत नहीं एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, बस इसको डिग्री चाहिए ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कम्युनिकेशन से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। डिप्लोमा की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो भी दिक्कत नहीं है, इसको फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एंड में यहाँ पर दिया गया है, ग्रेजुएशन किए हो तो एंड में दिया गया यहाँ पर कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट से हो, सेमी गवर्नमेंट से हो, पब्लिक से लिमिटेड से हो या प्राइवेट लिमिटेड से हो, कोई दिक्कत नहीं, एलिजिबल हो आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये सब चीज़ दिया गया डिटेल में। अब उसके बाद से आओगे ना, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर पूरा विवरण दे दिया गया आपका जो सिलेबस है। 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा आप लोग का जनरल, मैं आप लोग सिलेबस भी दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं लेना आप लोग। जनरल अवेयरनेस, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर्स, ठीक ना, जो भी यहाँ का मूवमेंट है, यहाँ पर ज्योग्राफी है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ का नदियाँ है, वहाँ का झरना है, वहाँ का मंदिर है, ये सब चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवेंट साइंस से, जनरल पर टूर्स, हिस्ट्री, मैथ, एविएशन से, इंडियन नेशनल से, इवेंट, ये सब चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 30 यहाँ पे उसके बाद से जो आप लोग का ब्रांच है उसमें आप लोग का 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि टोटल आप लोग का 450 क्वेश्चन टोटल आप लोग रहने वाला है, ठीक है। 450 आप लोग रहेगा और 3 घंटा आप लोग को टाइम दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा टच कीजिएगा क्वेश्चन, तो आप लोग ठीक से टच कीजिएगा। 400 पेपर आप लोग का 450 रहेगा, टोटल MCQ टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से 3-1 का
आप लोग का रहने वाला है रेशियो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए सिलेबस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो आप लोग का सिलेबस है यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा गया है। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हो गया, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक सभ्यताएँ हो गया, राजस्थान का प्रमुख राजवंश उनकी उपलब्धियाँ हो गया, मुगल राजपूत संबंध हो गया, ओके, सत्यापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हो गई, महत्वपूर्ण किले स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, हम लोग देवी देवता है, मैं आप लोग को पहले ही बता दी सब चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। देख लो मेले त्यौहार लोकगीत लोक नृत्य वाद्य यंत्र एवं आभूषण वो लोग क्या पहनते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, कौन सा त्यौहार मनाते हैं, कौन सा मेला लगता है वहाँ पर, ये सब चीज़ ओके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा राजस्थान का करंट अफेयर आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। राजस्थान की संस्कृति परंपरा विरासत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व राजस्थान के रियासतें ब्रिटेन संधि यहाँ पे 1857 का जन आंदोलन, उसके बाद से कृत्रिम जन जातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राज्य के एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास, महिला विशेष संदर्भ, ये सब चीज़ आपसे कुछ पूछेगा। उसके बाद से राजस्थान का भूगोल, यहाँ पर स्थिति वितरण, मुख्य भौतिकी विवाद, मरुस्थल प्रदेश, आवासीय, ये सब चीज़ कुछ हम लघु जलवायु मुद्रा प्रकृति वन वस्पाति जीव वन एवं वन जीवन संरक्षण पर्यावरण कर परिस्थितियों के मुद्दे मरुस्थलीकरण कृषि जलवायु प्रदेश फसलें, उसके बाद से पशुधर, बहुदेशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना, जल संसाधन परियोजना, खनिज संप्रदाय, राजस्थान का संस्थानीय यहाँ पर नागरिक प्रशासन, 74वें संविधान संशोधन अध्यय, राज्यपाल संसाधन विधान और मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन लोकयुक्त, राजस्थान का मानवाधिकार आयोग, राजस्थान योजना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के लोक गारंटी अधिनियम 2011 वाला टोटल चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा। उसके बाद से जनरल साइंस एंड जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, मैथ, एविएशन, इंडियन इंटरनेशनल इवेंट वाला जो भी चीज़ है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। देख लेना आप लोग स्टेट, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अगेंस्ट, यहाँ पे एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल्स, यहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर, लैंडमार्क एंड पॉलिटी, कल्चर, हिस्ट्री एंड इंडियन मतलब कि मेजोर, ये सब चीज़ क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा ओके। सेशन बी में आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो टेक्नोलॉजी से उससे क्वेश्चन पूछेगा, RDSMS, डाटा बेस, प्रोग्रामर टेक्निक या वर्चुअल फॉक्सपोस, बिजनेस एप्लीकेशंस, उसके बाद से टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, LAN, VAN, MAN, WAN, टेक, उसके बाद से इंट्रोडक्शन, TCP/IP, वर्ड, वेब ब्राउजर्स, ईमेल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टैलेंट, वेब पब्लिसिटी, HTML, इंटरनेट एक्टिविटीज़, टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये ग्राफ्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ आपसे पूछा ही पूछा जाएगा ठीक ना। यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा गया, आप लोग इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, भारत का नागरिक है एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, नेपाल का है, भूटान का, ये तीनों लोग एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, ऐसा तिब्बत शरणार्थी के जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना यार, बहुत सारा टर्म एंड 17 पेज में टोटल है ठीक है। आप लोग को छूट मिलेगा ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे 18 से 40 ध्यान देना, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये देखो 18 है ना, 18 से मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, उसके बाद से आप लोग को छूट मिलेगा 3 साल 5 साल 10 साल जो भी है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग को छूट मिलेगा, ज़्यादा छूट आप लोग को राजस्थान स्टूडेंट जो भी है वहाँ के स्टूडेंट जो भी है उनको छूट मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ ठीक है। अदरवाइज अगर जनरल से बिलोंग करते हैं जैसे कि बिहार से बिलोंग करते हैं, UP से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को जनरल से ही फाइट करना होगा, कम सीट है, तो जो भी स्टूडेंट भरना चाहता है भर सकता है। और अचानक अगर पहली बार भेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।